गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 9 बजे है और अभी हम हैं पैंगोंग में। ये सामने हमारे टेंट से जहाँ हम रुके थे और वहाँ से नज़ारा पैंगोंग लेक का, ये रहा ब्यूटीफुल। थोड़ा फ़ोटो शूट करके फिर निकलते हैं यहाँ से लेक की ओर। बाइक को मैंने सेकंड गियर में डाल दिया है क्योंकि ढलान काफ़ी सीधी है। ओके, सो अभी ये जिम्मी हाथ पे लगे खड़ा है शाहरुख खान की तरह। ओके, अभी शायद हम यहीं तक जा सकते हैं कि आगे थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। ओके, वाह, ब्यूटीफुल व्यूज, सुपर। सो हाँ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लेक के बिल्कुल पास। वाह, सो मच क्लियर वाटर, ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ज़्यादा क्लियर वाटर है। थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। मैं अंदर तक देख सकता हूँ कि अंदर कंकर पत्थर मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन दिखाई दे रहा है। वाह, थोड़ा सा पानी छू के देखता हूँ। इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन नहा नहीं सकते अंदर। ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर अभी 7-8 का है। सुबह ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सूरज निकला है इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस लेक का 40% हिस्सा जो कि है हमारे पास और 60% हिस्सा है चाइना के पास। और ये लेक एक्चुअली काफ़ी बड़ा लंबा लेक है और ये लेक दिन में 3 से 4 बार अपना कलर चेंज करता है ड्यू टू द सनलाइट। समटाइम्स ब्लू होता है, कभी ग्रीनिश शेड होता है। हाँ, मैं आपको लेक के चारों ओर का नज़ारा फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ओके, ये है नॉर्थन पार्ट ऑफ द लेक। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये पहाड़ियों के उस तरफ अगर आप 20 किलोमीटर के आसपास जाओगे तो आपको चाइना बॉर्डर लग जाएगा। ओके, और लेक के पैरेलल रोड पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो आगे आप हानले तक जा सकते हो। हानले के बाद आप जा सकते हो सोमोरीरी, और सोमोरीरी से बाद में आप लेह के लिए डायरेक्ट रास्ता निकलता है। तो आप ये राउंड ट्रिप कर सकते हो, लेह से निकलो पैंगोंग आओ, पैंगोंग से हानले और हानले से सोमोरीरी के बाद वापस लेह। लेकिन हमारी ट्रिप एक्चुअली आज लास्ट डे ट्रिप यहाँ पर एंड हो रही है। सो हम हानले सोमोरीरी नहीं जा पाएंगे। सो अभी हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा लेह के लिए। हानले और सोमोरीरी मे बी नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे, डेफिनेटली आना तो है ही। ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यार, ब्यूटीफुल। ओके, सो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पर थ्री इडियट्स मूवी का शूट हुआ था। जो लास्ट सीन था, करीना कपूर आई थिंक स्कूटर पे आती है, वो वाला सीन है। सो अभी मैं उसी स्पॉट पे चल रहा हूँ। ओके, तो अभी जिम्मी पीछे से आई थिंक आवाज़ लगा रहा है फ़ोटो शूट करने के लिए। तो अभी हम फोटो शूट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे लेह के लिए। सो आफ्टर कंप्लीटिंग फोटो शूट एट लेक पॉइंट, वी आर लिविंग
Pangong and moving towards Leh, the final destination of our road trip. बैड पैचेस, इसकी तो जैसे आदत सी हो गई है. ऑफ रोड तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो गए हम लोग ऑफ रोडिंग से. काफ़ी मज़ा आ रहा है ऑफ रोडिंग में भी अभी. वाओ, हाँ आप शायद हॉर्सेस देख पा रहे होंगे थोड़ी ही दूरी पर है यहाँ से. वाओ, ब्यूटीफुल वाइट brown and black. Oh, there are four orange also. Oh, beautiful, beautiful horses. Wow. So guys, ये है बीवर. हिंदी में इसको कहते हैं लद्दाखी पीका, आई थिंक. ये यहीं पर पाए जाते हैं लद्दाख का, चाइना लद्दाख में है और इंडिया चाइना बॉर्डर पर थोड़े से पाए जाते हैं और सियाचिन के पास जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं. सो इनका मेन जो टेरिटरी है वो इसी ठंडे इलाके में है. ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हेल्दी भी है. वाह, क्या पोज दिया है यार इसने, सुपर. इसको तो फेसबुक पे अपलोड करूंगा मैं पक्का. हॉर्सेस की तो जैसे यहाँ पर कोई कमी ही नहीं है, इतने सारे हॉर्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं. आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे नीचे आई थिंक 8-10 हॉर्सेस खड़े हैं, आगे भी थोड़े से हॉर्स खड़े हैं. बाप रे, सुपर यार, कितने खूबसूरत है, माइंड ब्लोइंग. ट्रिप पूरा पैसा वसूल है. और ये छोटा सा, पता नहीं लेक तो नहीं बोल सकते इसको, और लेक है भी नहीं शायद, लेकिन पानी का स्टोरेज है अच्छा सीन है, लेकिन खूबसूरत है. लद्दाख में तो कहीं पर भी नजर आ गया, नेचर ब्यूटी स्टैंड्स आउट. तो अभी हमने दुर्बुक को क्रॉस कर लिया है और दुर्बुक में ही हमने लंच कर लिया था. अभी हम चांगला की ओर ऊपर बढ़ते हुए, जैसे आप फील कर पा रहे होंगे कि अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं सीधा. बाइक काफ़ी ज़्यादा लोड ले रही है. आई थिंक आखिरी दिन है बाइक का, सो वो ये भी अभी मेंटेनेंस मांग रही है. फर्स्ट गियर में ही मैं चला रहा हूँ बाइक को, फिर भी ज़्यादा लोड ले रही है. ओह वाव, सो फाइनली वी आर एट चांगला पास, द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड. तो जिम्मी और अर्पित दोनों अपना लगेज ठीक कर रहे हैं, तो तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक चांगला पास का सराउंडिंग वीडियो शूट कर लूं. आसपास काफ़ी अच्छे सीन्स हैं, सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, नेचर ब्यूटी बहुत ही अच्छी है. जो सामने आप बर्फ़ देख रहे हो उसका लेयर मेरे हिसाब से काफ़ी थिक लेयर होगा उसका, क्योंकि यहाँ तक हम उसको फील कर पा रहे हैं. वाव, क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल.
ये सॉवेरियन शॉप है, अभी बंद है, ब्लॉक है, पता नहीं क्यों। उसके पास है हेल्थ सेंटर और सामने है चांगला बाबा का मंदिर। सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय चांगला। अभी हम वापस जा रहे, बढ़ रहे हैं लेह की ओर। सीरियसली यार, अभी आज आखिरी दिन है ट्रिप का, सो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इस जगह को छोड़ने का। ऐसा ऐसा मन हो रहा है कि हर साल यहाँ पे आए। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूँ कि गुड लक ब्रदर। एक बार इन्फॉर्म कर दूँ कि ये जो सारे वीडियोस हैं वो मैंने अपने फ़ोन से शूट किए हैं। काफ़ी एक्चुअली दिमाग लगाया था मैंने थोड़ा फ़ोन से शूट करने के लिए, कैसे करूँगा और सब कुछ आपको मेरे अगले वीडियोस में बताऊँगा वो सब। मेरा विश है कि अगर ये वीडियोस देखने के बाद अगर हर साल एक आध ग्रुप भी अगर आता है ये वीडियोस से इंस्पायर होके, तो भी आई एम डन मैन, मैं सफल हो गया ये समझ लूँगा। काफ़ी तेज़ी से हम लोग का नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हो रास्ता, वाह ब्यूटीफुल रोड। बाइक को मैंने एक्चुअली सेकंड गियर में ही रखा है ताकि नीचे उतरते समय मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर चौथे पांचवे गियर में अगर रखा तो बाइक सीधी जाएगी उस पार। दोस्तों, आपको मेरे ये वीडियोस हमारे लद्दाख रोड ट्रिप के अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही रोड ट्रिप्स के वीडियो लाता रहूँगा। अभी ये हम पहुँच चुके हैं शक्ति। शक्ति से अभी ले आई थिंक 40 किलोमीटर्स के आसपास है। जिम्मी वहाँ पर खड़ा है आई थिंक। यस, अभी 4 बज चुके हैं। चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गाइज, आई एम एंडिंग अप माई वीडियोज हियर। ये मेरी ट्रिप का आखिरी वीडियो है। बाय 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 जिम्मी। यस यस, बाय 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 ब्रदर, बाय 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 बाय।